हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडे गाइड शिवांश बसीन पे। सो गाइस, 27 जून की जो कल एक्सपायरी है उसको हमें किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लेना चाहिए, क्या एनालिसिस करनी चाहिए, आपको वो मैं पूरी संभावना बताने वाला हूँ कि कल एक्सपायरी किस तरीके से जा सकती है। दोनों सिचुएशन बताऊंगा, ऊपर साइड में भी बाय और सेल साइड में भी किस तरीके से ये मार्केट ट्रेड कर सकती है। सो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कल एक्सपायरी है उसके लिए मैं तीन वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। तीन वीडियोस जो होने वाली हैं वो होंगी, सबसे पहले जो आप 5 स्टॉक्स इंट्राडे पे बाय करके चल सकते हैं कल एक्सपायरी के लिए। दूसरी वीडियो जो है वो है ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर, यानी कि 3 ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करी गई है जिसपे आपको कॉल और पुट बाय करके अगर आप चलेंगे कल एक्सपायरी के अंदर तो आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तीसरी वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस, ये तीनों वीडियो को आपको ध्यान से देखने के लिए आप इस यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं मेरा चैनल का नाम शिवांश भसी। आप एंटर दबाएंगे तो मेरा चैनल यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। आप चैनल पे जब मेरे जाएंगे तो वहाँ जाके आप अपने आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर आप मेरी वीडियो पर जाएंगे, यहाँ पर आपको सारी की सारी मेरी वीडियोज़ दिख जाएंगी जो भी मैं अपलोड करता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वीडियोज़ मेरी सारी अपलोड हुई हुई हैं। इस चैनल पर जाके आपको सारी की सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी और कल के लिए जो तीन सीरीज की इस सीरीज की जो तीन वीडियोस हैं वो आपको सब दिख जाएंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं हम निफ्टी की ओर। तो निफ्टी में हमें आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ और अपने बैंक निफ्टी के में भी बता चुका हूँ, मैंने शायद अपनी जो पिछली वीडियो ये अपलोड करी थी। तो अब किस तरीके से हमें काम करना है, मैंने आपको बताया था आली चार्ट के अंदर उस पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो डेवलप हुआ है। मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से मैं आपको बता रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो था वो डेवलप हुआ था। हम और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, वहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जी गाइस, तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार किस तरीके से हमें पूरे पैटर्न निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करके चलना है। अब मैं आप देख रहे होंगे थोड़ा दूर का मैं आपको सिस्टम समझा रहा हूँ, तो गाइस ये आप अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न आप इसमें अर्न कर सकते हैं। जी गाइस, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से पैटर्न डेवलप हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने एक शोल्डर बनाया, दूसरा हेड है और फिर ये दूसरा शोल्डर है। अब आप देख सकते हैं ये जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था इसमें इसने ब्रेकडाउन दिया था। ब्रेकडाउन देने के बाद हमने देखा था कि जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है इस ट्रेंड लाइन पर जाके ही इसने सपोर्ट लिया और ऊपर बाउंस करा। ये वाला जो सिस्टम था, ये जो इसने मूवमेंट दिया, ये मूवमेंट मैंने आपको पहले ही अपनी पिछली वीडियो में बता दी थी कि ये यहाँ तक जा सकता है और अगर ये यहाँ तक जाता है तो ये दोबारा नीचे गिर सकता है। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ जो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो बनाई थी। अब आप देख सकते हैं दोबारा उसी लेवल पे आ गया है। ये लेवल एक क्रूशियल लेवल है, क्योंकि क्यों लेवल है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक बार यहाँ से बाउंस कर चुका है, यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, दूसरी बार यहाँ पर सपोर्ट फेस कर सकता है, तीसरी बार भी सपोर्ट फेस कर चुका है, कितनी बार यहाँ पर ये सपोर्ट ले चुका है और फिर दूसरी बार ये जब इस सपोर्ट को तोड़ा तो उसी सपोर्ट को ये रेजिस्टेंस मानने लग गया। सो अब हमें देखना है कि अगर इस लेवल के ऊपर ये निकलता है तो हमारे लिए एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है निफ्टी के अंदर। अगर ये इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता तो ये दोबारा 11,750 तक ये जा सकता है और दोबारा 11,750 को तोड़ता है तो ये 11,680 या 11,600 तक भी जा सकता है। अब मैं आपको वाली चार्ट में लेकर जाना, डेली चार्ट में लेकर जाना चाहूँगा, उस पर आपको मैं क्लियरली तरीके से समझाता हूँ। गाइस देखते हैं, जी गाइस मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने ऊपर से रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करी है, नीचे से मैंने सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करी है। अब देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न है, ट्रायंगुलर पैटर्न है। मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर स्टॉक से यहाँ से नीचे आ गया, इस रेंज के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स पिछले दिन काम कर रहा था, यानी कि 25 जून को काम कर रहा था, उसी के अंदर क्लोजिंग थी। अब हमने देखा कि इस रेंज को इसने आज तोड़ा और रेंज को तोड़ने के बाद वहीं पर इसने जाके क्लोजिंग दी जहाँ पर यह रेजिस्टेंस फेस कर रहा था कुछ टाइम से। मैंने आपको अभी आली चार्ट में जो रेजिस्टेंस दिखाया था जब ये इसका रेजिस्टेंस बन गया था ये तोड़ने के बाद, तो वहीं पर इसने जाके क्लोजिंग दी है। अब किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए आर्ली चार्ट में और डेली चार्ट को अगर हम मिलाएं, क्या ऑब्जर्वेशन निकल रहा है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, एक चैनल का ब्रेकआउट आया, एक पैटर्न का ब्रेकआउट आया, उसके बाद हम देख रहे हैं ऊपर एक रेजिस्टेंस आ गया।
अब क्या हो सकता है, ये जो पैटर्न का ब्रेकआउट आया वो हो सकता है फॉल्स, शायद दोबारा पैटर्न के अंदर ये चले जाए और पैटर्न के नीचे भी तोड़ दे, क्योंकि होता ये है कि जब पैटर्न का ब्रेकआउट आता है तो हम बाय तुरंत तब नहीं करते जब हम देखते हैं कि उसके आसपास कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, और अगर उसे ब्रेक करता है तब हम अपनी बाय पोजीशन बनाते हैं। सो गाइस वही एक ये रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है और उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम इसमें एक बाय पोजीशन बनाएंगे, वरना हम इसमें एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, दोबारा ट्रेंड लाइन को ये टेस्ट कर सकता है। विस सिमिलर तरीके से मैंने बैंक निफ्टी को भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बैंक निफ्टी में भी इसने एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है। ब्रेक करने के बाद हम देख रहे हैं कि अगर हम मैकडी की बात करें तो वहाँ पर एक क्रॉसओवर देखने को हम शायद मिल सकता है, और बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। अब किस तरीके से काम करना है, हम देख सकते हैं कि जो 25 जून को इस पर्टिकुलर स्टॉक ने जो मूवमेंट दी थी उसका जो मिड पॉइंट था, उस मिड पॉइंट से ही मुझे एक लेवल पता चल गया था कि ये मिड पॉइंट अगर ब्रेक कर देता है और मिड पॉइंट के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, यानी कि 30,700 के लेवल के ऊपर जाके अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे देता है सो ये 31,000 तक बढ़ सकता है। क्यों 31,000 तक बढ़ सकता है, अगर मैं आपको इसमें अर्ली चार्ट में दिखाता तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने बहुत बार सपोर्ट फेस करा है, उसके बाद एक बार रेजिस्टेंस, दूसरी बार रेजिस्टेंस, वहीं पर ये ट्रेड करे जा रहा था बार बार। अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर बैंक निफ्टी ने दिया है, तो मेरे एक हिसाब से बैंक निफ्टी को आप बाय करके चल सकते हैं इंट्राडे बेसिस के अंदर, या अगर आपको ये 31,000 के पास पास कभी मिलता है, डिप मिलती है अगर आपको इंट्राडे के अंदर, तो भी आप इस पर्टिकुलर बैंक निफ्टी को बाय करके चल सकते हैं। सो ये बैंक निफ्टी निफ्टी के एनालिसिस मैंने आपको क्लियरली तरीके से समझा दिया, अगर आपको हेड एंड शोल्डर और इसके अंदर की थोड़ी और एनालिसिस समझनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं जिसमें मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर बता रखा है। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा, मैं आपसे आशा ये करता हूँ कि आप ये मेरी तीनों वीडियो देखिए सीरीज़ की, जिस पे आपको इंट्राडे के अंदर स्टॉक्स भी मिल जाएंगे, ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी और निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस, ये तीनों वीडियोस आपको कल एक्सपायरी के लिए मिल जाएंगे और आप इसमें बेस्ट पैसा कमा सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा, मिलता हूँ आपसे कल नए अगले ट्रेडिंग के साथ, बाय बाय।